काफी समय बाद मैंने अपने हाथ में इस तरह कैमरा उठाया है सोलो, बड़ा मजा आ रहा, मतलब देख साला ओवरहाइप कर रहा छोटी छोटी चीजों को। तो आज है भाई मेरा जन्मदिन और अभी मैं जो है एक काफी जरूरी मीटिंग से आ रहा हूँ। जन्मदिन मतलब बड़ा ही बड़ी तगड़े तरीके से प्रोडक्टिव हो गया। इस चीज से तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन जिस चीज से मैं खुश नहीं हूँ वो ये है कि मैं शेयर करना चाहता हूँ, मतलब मेरा मन था कि फैमिली और फ्रेंड्स के साथ थोड़ा मतलब उनके साथ सेलिब्रेट करा जा। मुझे घर पे भी बुला रहे थे मम्मी पापा, और बाकी मैं कोई किसी खास दोस्त से भी नहीं मिला। मुझे थोड़ा रिग्रेट इस चीज़ का हो रहा कि आज कुछ हो नहीं पाया। भाई आसमान बड़ा सुंदर लग रहा सामने, इतना नीला है नहीं, कैमरा में ज्यादा नीला दिख रहा। हाँ तो मैं ये कह रहा था, मेन पर्पस मेरा कैमरा खोलने का ये था कि ईट योर वेजिटेबल्स, ड्रिंक मोर वाटर, स्टे हाइड्रेटेड। ये है भाई दो लड़के मैकबुक पे काम कर रहे हैं बैठ के। कॉल सेंटर खोल लो तुम अपना। कॉल सेंटर में क्या फायदा हुआ है वैसे बिजनेस? सच में फोन आ गया मेरे फोन का साइन बनाते ही। माल है। फैमिली इज दैट ईट्स टुगेदर। बस ही गाना। स्लीप्स टुगेदर। स्लीप्स टुगेदर एट 6 AM। ईट्स टुगेदर। बस ही गाना। मास्टरबेट। ऑलवेज टुगेदर। मैं बात बताऊं? हां। ढाका गवर्नमेंट का है नहीं, मैं ज्यादा गवर्नमेंट की बात तो करूँ नहीं, पर ठीक ठाक पैसे कमा रहे होंगे। कौन? बेसिक नेसेस। अच्छा अच्छा हम। हाँ पर चलो मान लो एक बार लाइफस्टाइल तो एक लाइफस्टाइल कोई जो 21,000 रुपए महीने की नौकरी कर रहा होगा ना। मारे से अच्छा खाता होगा, मारे से अच्छा उसका घर होता होगा, मारे से अच्छा वो कपड़े पहनता होगा। भाई देखो जो जो 21,000 की नौकरी कर रहा होगा स्टिल वो हमारे से 1,000 रुपए ज्यादा कमा रहा। दूसरी बात यह है भाई की नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं। पोलैंड में कहते इससे बड़े जो इंजीनियर है जिस दिन गर्म खाना हम खा लिया ना लेके या तो नमक नहीं होता उसमें। एक दिन आंटी भी दाल बना के चली गई। वो काम वाली इतना उल्टा बोल रहा है हमारे से। आई सुबह सुबह यो हमारे से 6,000 रुपए महीना ले रही थी। सारी सोसाइटी में 6,000 रुपए महीना है रेट। मैं 7,000 रुपए लूंगी। मैं क्यों लेगी? ढाका भिड़ रहा मुझे नींद में सुनाई दे रहा। ढाका नु कह रहा यहाँ तो खाना तो दो लोग क्यों कहीं बनता है। वो कहने लगी किसी की दिन तो तुम साथ हो जाओ। तो नु कह रहा किसी दिन तो एक भी नहीं होता। अरे भाई तो देख मेहमान तो सबके घर में आवे। मम्मी आ गई थी 3 दिन को, ये गायब होगी एक दिन दोनों ही। जो भी बनाने के लिए कहना आंटी से बोल रहे ठीक है अच्छा नहीं बनेगा पता नहीं कैसा बनेगा। अरे मका दूसरे लोग तो जैसे खाते हैं वैसे ही बनाऊंगे खाना तो वे भी स्वाद ही खाते होंगे। अरे ये क्या स्वाद बना दो बिल्कुल। एक दिन दाल का ऐसा बना के चलिए दाल का ये फेंक कमाओ। दाल ऐसी होगी दाल में सर फूट जाएगी सीधा। हां मैंने कुकर खोला दाल मूव नहीं हो रही कुकर में। दाल बोला उसने दिखाई थी दिखे या नहीं? वो नहीं दिखाई। क्या बना दिया चना? ये तो हलवा सा है जो साढ़े सरकारी सस्ते गल्ले पे राशन खरीद दिया ना गरीब लोग जो हमारे से स्वाद खाना खाते हूँ। जिस भिखारी को सिग्नल पे मैं भेज दू ना उसका लाइफस्टाइल अच्छा चल रहा है हमारे से। वो मेरे पैसों की मेरे से बढ़िया खा ले। मैं अपनी बताऊं सुबह के समय जब 8-8:30 बजे खुल जाए आंटी आवे 11 बजे कभी कभी तो नाश्ते में कुछ मिलता ही नहीं और मेरे से कॉफी बनानी आती नहीं। मैं इतनी खराब कॉफी पीऊंगा कड़वी सड़वी सी यूं ही बस आंख खुल जाए उससे। एक सूखी ब्रेड खा ली उसके साथ फिर आंटी आके मुंह जोरी करने लगे ये नहीं बनाने की वो नहीं बनाने की। बस ये उल्टा बोल रहा है। मैं कह दिया एक दिन यू किचन से कह के निकला आंटी चाय बना दो जैसे ही मैं कमरे में गया चाय देगा भाई पूरी सफेद चाय पूरी सफेद। मैं कहता हूँ आंटी ऐसे थोड़ी बने मैं सब जगह ऐसी बनाऊ तो मैं मेरे यहाँ मत बनाया ऐसी। उल्टा बोल रहे हैं मेरे से तो एक डिब्बा चीनी पिया है इसमें इसके साथ। अभी मम्मी आई हुई थी कुछ समय पहले उन्हें ये बता दिया कि ये तो इतने बड़े बड़े कप चाय बनवा है मेरे से। मम्मी का सामान तो इतना वेस्ट क्यों करे उनको ही लाके दें जबरदस्ती। अगर उसे इस वाली उसमें देखेगी वो जो सामने जो है वो सेल्फ है ना सामने वाली सेल्फ में देखेगी बस जैसे कोई दाल या पत्ती चाहिए ना चाय की पत्ती के 3 पैकेट मंगवा रखे उसने एक खुलेगी थोड़ी सी चाय डायरेक्ट ही पैकेट से कूड़ का बना दे पैकेट वो छोड़ वो तो कई दिनों की बात है। अभी मैं चाय बना के लाया तो एक भगोने में दूध है एक कप में दूध है और फ्रिज में रख दूध रखा किचन में हर बर्तन में तेल मिला सारा कोई बर्तन खोल लो उसमें तेल भर दिया हमने उसे। एक महीने वो दिखा देते एक तेल का इतना बड़ा वो डब्बा और एक घी का वो दोनों पीगी भाई ब्रेड के पैकेट में दिया मेरा हाथ तेल में। तो आज की सुबह जो है मैं एक दो जगह व्यस्त था वो काम निपट गया तो उसके बाद मेरे पास कुछ फ्री टाइम बचा था तो उसमें जो है मैं एक बार मैंने एक वीडियो बनाई थी इस वाले टॉपिक पे स्ट्रीट डॉग और एनिमल्स वाले टॉपिक पे। तो जिस एनिमल शेल्टर में मैंने वो बीच का पार्ट शूट करा था ना
वो वहीं पे हूँ आज मैं, और ये देखो मतलब क्लोज टू हेवन। और मेरी पैंट फाड़ दी हुई एक बिल्ली ने चढ़ चढ़ के मेरे ऊपर। हेलो हाय, इसका नाम है गारफील्ड। और जैसे ही मतलब यहाँ पे कोई भी घुसे तो ये लोग उसे घेर लें बुरी तरह से। हेलो, ये देखो मतलब मूव करना मुश्किल है। हाँ, मेन रीज़न मेरा ये था कि जब मैंने वो वीडियो बनाई थी ना तो ऑब्वियसली शेल्टर है तो यहाँ पे फ्री था, उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया था। उसके बाद मैं आ नहीं पाया काफ़ी टाइम तक, और ना ही मैंने कुछ अपना ऐसा कोई खास कंट्रीब्यूशन करा था। तो यहाँ पे जो सुपरवाइज़ कर रहे हैं उनसे पूछ के कि किस किस चीज़ की थोड़ी बहुत नीड है, जितना हो पाता है। तो मैं पिछली एक बार आया था, तो सेकेंड टाइम मैंने आज विज़िट करा, पिछली बार तो मैं ब्लॉग नहीं कर पाया था। तो अभी मैं एक काम में लगा हुआ हूँ, उस काम की डिटेल्स मैं कुछ टाइम बाद शेयर करूंगा। इवन हम सभी करेंगे, मैं तो क्या ही करूंगा, मेरा नाम तो कौन ही है। ओ देखो बगल में है मिट्टी, अय्याशी का कॉलेज। आज सैटरडे है तो आज काफी राहत है, वरना इस रोड पे इस वक्त दोपहर के 2 बजे हुए हैं, इस रोड पे निकलना इस वक्त नामुमकिन हो जाता। वैसे सही बताऊं तो जिस वक्त मैं एमएटी में था ना, इधर मेरी ना दाढ़ी कटवा दी गई थी अत्ते ही, मुझे जलील करके मुझे क्लास के बीच में से भेजा था कि जा दाढ़ी कटवा गया पहले। तो मतलब रणवीर अलावादिया वाली वीडियो किसी ने देखी होगी तो मैं फोटो लगा दूंगा, ऐसा लगूं मैं दाढ़ी कट के। तो मेरे ज्यादा कोई खास दोस्त बन नहीं पाए, कोई स्कीम ऐसी नहीं है कि जिसमें जो है फ्री में तेल बटता हो, या कहीं अरब देश से ले आऊं 5-6 बैरल खरीद के। मैं थक चुका हूँ तेल भरवा भरवा के। अभी मेरे जस्ट ध्यान पड़ा मेरा कि फिर से 27 किलोमीटर का तेल रह गया, और परसों भी इतने, परसों तो 9 का ही रह गया था तब मैंने भरवाया था। अजरबैजान जहाँ हम गए थे, वैसे वो भी ऑयल कंट्री है, मेरी जमीन से निकल जा बहुत सारा तेल, मतलब सारे देश में न्यूज़ फैल जा। मुझे एक बहुत ही जरूरी काम के लिए जाना, और इस पेट्रोल पंप पे आज तक ऐसा नहीं हुआ जहाँ भीड़ ना मिली हो। यहाँ मुझे इतना वेट करना पड़े, मेरा मन करे इसके साइड में एक पेट्रोल पंप खोल के इनका पूरा बिजनेस खा जाऊं। आज नहीं, हमने लंच पंच भी चखा भाई, अब घर जाके लंच करूंगा। लंच के अब तो टाइम स्नैक्स का हो गया शाम वाले। अरे मम्मी मम्मी मर गया, यहाँ पे तो एनला नहीं चाहिए थी बेचारी की, हकू कहाँ ऑफ रोडिंग। तो भाई आज हम इतने व्यस्त हो गए कि जैसे ही घर आए तो एक नया पार्लियामेंट का मेंबर मिला, आराम से शोर बच्चे से चला गया। चार लोंडों के साथ घर में रह रहा है यार, कुछ तो सिक्को प्रोटेक्शन, वही है साबुन नहीं उठाने का। और सुनाओ मजा सा आ जाओ, बाकू से बाहर निकले नहीं इस टाइम तो, बाकू में थे एक्स्ट्रा क्लब इस टाइम तो, याद टाइम तो नेचुरल इस गाने में कॉपीराइट भी नहीं होगा, ये अप्पा फिर मिलेंगे जो इतना वायरल चल रहा है इंस्टाग्राम पे, कॉपीराइट है तो बहुत सुना था उसके, वो सजेशन मान लगा उसके सुनने से बहुत ज्यादा। अरे मैं जो सुनूं वो लड़कियों के बीच तो उस चीज की लहर दौड़ी जा। हाँ नहीं वो तो है। अच्छा वो भी तो हो गया क्या? कल वो भी तो हुआ सर्विकल कैंसर। आई एम अलाइव, कितनी खराब बात है। पूनम टेकर है भाई, मैंने ना ये बात परसों ही न्यूज़ आते ही परसों ही कह दी थी कि परसों ही कह दी थी इसने, बता दे पहले तो कल ही। और मुझे मतलब जब ये लोग जाकर तो सुन जा, सूझ भी जा, जैसे न्यूज़ से पहले पता लग गई थी कि वो मर सके। तो कल ही मैंने कह दिया ट्विटर पे कि भाई वो जिंदा है, मुझे बहुत गाली पटकाई लोगों ने, उनको साले को हर टाइम मजाक चाहिए, किसी भी चीज पे ट्रस्ट नहीं करता, ऐसा ट्रस्ट इशू बहुत है। मगा पूनम पांडे है वो, उसने 2011 वर्ल्ड कप में यूं कहा था अगर टीम इंडिया जीतगी ना मैं न्यूड हो जाऊंगी उसमें। तो वो तो पूरा करा उसने, नहीं उसमें न्यूड हो जाऊंगी, वो क्या हो इनका कौन ड्रेसिंग रूम में आकर न्यूड हो जाऊंगी। अरे भाग गई थी जब इंडिया जीती थी, गायब हो गई थी सोशल मीडिया से। नहीं देखो उसने कमिटमेंट आदि तो पूरी करी है, और लोग उन्हें गाली दे रहे जो उसका मजाक बना रहे, भाई सब्सक्रिप्शन लिया था अभी कल ही लिया तो उनको। और एकदम ये बताओ, शी इज अ प्योर सोल, मरते ही आदमी प्योर सोल हो जाए। अब बताओ कबूम कर दिया उसने भाई, मुझे तो कहना ना प्योर सोल कही ना कुछ कही, अगर ऐसे आदमी को कहा जा रहा शी इज अ प्योर सोल, बहुत अच्छे थे दिल के, जो आदमी जितना गलत हो ना उसे कहा जा, मरते ही दिल का बहुत अच्छा था भाई, उसके दिल में अच्छा ढूंढ लिया। नहीं वो गलत थोड़ी, गलत कैसे है, मैं नहीं अब भरोसा करता है पूनम उनम पांडे और ये इस टाइप के लोग, पूनम नाम पे भरोसा ही नहीं हो सकता। हाँ इसे बुरा लग रहा हूँ, पूनम को गलत कह रहे थे, फैन था डीपी लगा रखी थी इसने पूनम की, जेब में रख रखी हुई अगले वाली जेब में उसकी फोटो। एक वो भी तो कह रहे हैं चोर पॉकेट भी तो हो गई थी पेंट में, यो ए यहाँ पे हो गई थी, अब नहीं आती दिखे, अब तो मेरी ज़ारा वाली अंदर वाले साइड, चोर कान पे मार के पहले वही हाथ धुआ के रखा, काड़िया के रख रखा, चोर पॉकेट इसलिए हट जा, बोल कुछ हटिए बोलिए।
अरे बोल तो, खांसी निकलेगी। हटिए बोल बोल। अबे नहीं हटिए, खांसी निकले। अरे हट जा यार, गाली दो। बाकू मैं तो तुमने मना नहीं करी ऐसे हटने को। कितने 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 लोग चढ़ रहे तेरे ऊपर। पैसे दे दे चढ़ा रहा था। ड्रीम दिखाऊं? ड्रीम हैं सब लड़कों का, ड्रीम दिखाऊं? छोटी ये तो वही है, वो एक रील वायरल नहीं है, पिंग हुआ हुआ जस्ट लाइक माई खानजादी का। बड़े भाई की सोसाइटी के सामने आ गए सारी बदमाशी कर रहे हैं। सारी बदमाशी हो, पीछे ही इनका मेन गेट है और मैं इनके गार्ड के बिल्कुल मुंह पे पोने चढ़ा कर रुकूंगा। बड़े भाई तो गेट तोड़ दिया उसका गाड़ी से ही। बड़े भाई हो गए तुम, मुझे निकलवा के मानोगे सोसाइटी में से? अच्छा नहीं लग रहा है हरकतें जो हैं। अभी तो पता लगा जाट के लड़के हम। हां ये तो है थोड़ा, नहीं जाट के लड़के सभ्य हो, सभ्य हो ये तो है। जाट के लड़के सबसे ज्यादा सभ्य हो, बस उन्हें मिसअंडरस्टूड करा जाए उनकी बोलने की वजह से। हमारी तो बहुत अच्छी है। आ रहे बड़े भाई या नहीं? इस टाइम पेट में भाई भूख ऐसी लग रही है मुझे तो। और कम से कम जब मैं आधे किलो अंगूर और चार वो खा गया है मैं। फलों से तो भूख लगी। जब मैं एमिटी में था तो मैं ज्यादा बोलू नहीं था यार, ढंग से बोल रहे थे लोग, क्यों कह रहे थे कि तू मुझे तू हमें जाट नहीं लगता। मतलब जब तक दो चार की पिटाई ना हो। बड़े भाई अब आओ चले गए ये। इस पर कुछ आइयो गाड़ी में, इस पर चढ़ गए। बड़े भाई एक बार पैर रख के चढ़ियो जरा इस पर। चढ़ियो चढ़ो तो पैर रख के एक बार। बड़े भाई की वैसे हाइट इतनी हुई, चढ़ जा। अभी तो पता लगा चार जाट के लड़के निकले गेड़ी मारने। दो लिपस्टिक बॉय जिम में अभी स्कोर्ट्स मार रहे। तुम उन्हें घर निकालना है, दो में जल्दी निकाल ही देंगे। मुझे उन पे शक है, शक है दोनों को। मैं अभी मॉनिटर कर रहा हूँ ना काफी। सैमसंग टीवी वाला शक है मुझे उन पे। इसे निकाल दूं क्या? हाँ हटा। यहाँ भी पर्ची कटने लगी। लेटेस्ट हुआ है। कितने की? 30 रुपए दो घंटे का, 10 रुपए पर घंटे। अभी तो सस्ता ही है। बड़े भाई कुछ दिला दो मेले में से। ऐसा ही फील आ रही है देख बिल्कुल। हाँ लट्टू मानो या वो जो पीपी बजाने की होती है। ऐसी फील लोगे? यहाँ कहाँ यहाँ तो कपड़े हैं पीछे। दो चार चक्कर काटेंगे पहले ऐसे ही। यहाँ तो चिकन वाला है। तू तो खा ले चिकन। हाँ भाई छोड़ दिया। आउट ऑफ इंडिया नहीं अब तो छोड़ दिया। यहाँ नहीं खाता बिल्कुल भी। अभी लक्ष्य ये कह रहा कि गोलगप्पे खाओगे खड़े हो गए। मैं कह रहा हूँ गोलगप्पे के स्टॉल पे तो खड़ा ही है, एक हैंड बैग उड़ ले ले। कोई नहीं भाई। हाँ अगर ऐसे जनरलाइज करना कोई दिक्कत नहीं भाई। नहीं क्यों क्यों नहीं करना, खा लेंगे भाई। भाई यहाँ थोड़ा तीखा लगाना। स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर है तुम्हारा। ऐसा कहता भाई यहाँ तीखा लगाना थोड़ा। देखो तुमने मुझे फंडा करके गोलगप्पे चख लिए, तुम्हारा बार बहुत ऊपर सेट है अब। ये जल्दी से भाई टेस्ट बताएं आप। अभी तो खाए ही नहीं। अरे कैमरा ऊपर था बता देता है कैसा है। नहीं क्या? अच्छा तेरे रिएक्शन से मैं पढ़ना चाहूंगा कि कैसा है। ये साधारण है, मीठा लगता है। मीठा वन हो गया, मीठा लगाना भैया। अच्छा मीठा नहीं लगा भैया? एक ही है, एक ही है। अरे यहाँ पे ना मिट्टी चबूट वो डाल रहे हैं, चटनी पानी नहीं होता इनके पास मिट्टी। सॉरी यार वो मैं लोग कर रहा था आज, भूल गया। मैं डाइट कोक तो प्रमोट करूंगा नहीं फ्री में। सारे लड़के यहाँ आए थे अभी सैयम भाई को वापस दिखा। तुम बहुत आ रहे यार व्लॉग चैनल पे, थोड़ा कम हो यार कुछ देर। ये बोलती है कौन है मैं इसको मत ले गया गुरु चैनल पे। इसको बंद कर दो भाई। और इधर आई बस पर इतना कर दो कर गया था कि सवाल अच्छे भाई देखिए भाई 50 रुपए भाई 50 निराश। मैं अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता हूं भाई। और फिर चाटा मारो से तपन से क्या है। और पावर स्लैप भी देखो, पावर स्लैप कंपटीशन वो कैसे होता है। उसमें ऐसे उनके बाद चोटा मारे खड़े होकर स्पैंक करना हो एक दूसरे को। जब आपकी जेब में रिवॉल्वर है तो बहन के हाथों हाथों से क्या होगा। जेन्युइन बंदे। चलो भाई गलत बात कह रहा हूं। अरे उधर उधर मत करना भाई कैमरा, उधर लड़कियां बैठी हैं। चलो ठीक है भाई आप दिखाओ। आप दिखाओ लड़कियां कहाँ है। अंदर ही है। नहीं लड़कियां कोई नहीं है भाई, सब सब लड़के ही हैं भाई, सब लड़के। क्या बात कर रहे हो? कल था भाई भाई।
इसमें इनके सही उम्र की लिफ्ट में गाने बजाए बहुत बढ़िया बढ़िया। अच्छा तो इसमें चुप खड़ा हो गया, आवाज भी दबी रहेगी गानों में। सब सारे ऐसे के जोक पे ऐसे 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 बहुत पैसा फूंक दो तुम्हें मना कर दो इस महीने रह दो क्या कहोगे तुम सारे, एक महीना तो साथ दे दोगे वैसे, एक महीना एक बार मना कर दो, कोई गाने की इच्छा नहीं है, एक महीने तो शर्म करोगे बस, एक बार कैमरा बंद कर फिर बताऊंगा। बड़े भाई को ऐसे मारेंगे बड़े भाई, मैं यूं कह रहा हूं ये मुद्रा कोई नहीं, बारिश ही है।